उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का जो पेपर फर्स्ट है स्क्रीनिंग परीक्षा, इसमें इस प्रकार के एक मैसेज आ रहा है कि बताया जा रहा है कि जिसमें जो पेपर है वो 23 मार्च को होगा। तो इस पर हम जानेंगे क्या ये खबर जो है ये ऑफिशियल है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में ये भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि जो इसका परीक्षा होगा वो उसमें केवल एक तिहाई अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा, यानी अगर 40 पोस्ट हैं तो केवल उसमें से 120 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी यहाँ पे प्रवक्ता में स्क्रीनिंग परीक्षा जो पहला पास करेंगे वही जो है वो सब्जेक्टिव में बैठ पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी मैसेज आया हुआ है। साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो इसका जो पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो जानकारी है ये एक RTI के थ्रू यहाँ पे मांगी गई थी, जिसमें RTI के द्वारा बताया गया था कि जो इसमें जो स्क्रीनिंग की जो परीक्षा है उसमें जो उत्तीर्ण जो होने वाले हैं उसमें ये बताया गया कि एक सीट पर जो है मेरिट लिस्ट 3 का अनुपात होगा। तो ये आयोग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया। उसके साथ यहाँ पर ये बताया गया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में जो है वो आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगा। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि क्या 23 मार्च को जो है स्क्रीनिंग का परीक्षा होगा। आपको बता दें कि अभी जो इसकी डेट है वो पूरे दिसंबर तक है, और साथ ही यहाँ पर 15 मार्च तक इसकी स्पीड को पोस्ट करने की यहाँ पे डेट है। तो ऐसे में जो ये इस प्रकार का मैसेज जो चल रहा है, अभी इसकी कोई भी पुष्टि यहाँ पे आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो पेपर होगा वो 23 मार्च को होगा। हालांकि यहाँ पर जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो मार्च में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी डेट यहाँ पर कंफर्म नहीं हुई है। तो केवल ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि उनको यहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि 23 मार्च को जो है उसका स्क्रीनिंग का परीक्षा होगा। तो इसमें आपको बता दें कि अभी कोई भी इस प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि 23 मार्च को यहाँ पे कोई पेपर होगा, लेकिन आपको जो है अपनी तैयारी उसी आधार पर करना है कि मार्च से अप्रैल के बीच जो है स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पे रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इस प्रकार से एक लंबा प्रोसेस यहाँ पे लगने वाला है, तो इसलिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो यहाँ पर पहली हो जाएगी। तो इसका आपको बता दें कि जो LT परीक्षा है उससे पहले आपका प्रवक्ता का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के साथ साथ पहले स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी आप जरूर करें, क्योंकि अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई करते हैं तभी आप जो है सब्जेक्टिव में बैठ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे अभ्यर्थी थे और जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या जो इस प्रकार का जो एक मैसेज जो है व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जो चल रहा है कि 23 मार्च को स्क्रीनिंग का परीक्षा होगा, क्या ये वास्तव में सही है। तो आपको बता दें कि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।